हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने हुंकार भरी। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होगी वोटिंग। पार्टियां आज के बाद अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर पाएंगी। 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को यहां मतदान होना है। मतदान के नतीजे 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के साथ ही आएंगे। हिमाचल चुनाव के प्रचार के आज आखिरी दिन सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान पालमपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के पास वहां भी माँ बेटा है और यहां भी माँ बेटा है। ये परिवारवादी पार्टी है। इस पार्टी में नीचे से उठकर आए युवाओं की कोई जगह नहीं है। इस पार्टी में अगर आगे बढ़ना है तो राजकुमार होना जरूरी है। लेकिन राहुल बाबा, अब जनता का जमाना आ गया है। अभी हमारे बिपिन भाई खामखा कहते थे कि पीएम नरेंद्र भाई है, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है, कांग्रेस के पास कौन है? अरे बिपिन भाई, आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास? अरे सुनो, कांग्रेस के पास वहां भी माँ बेटा है, यहां भी माँ बेटा है। ये परिवारवादी पार्टी है। ये पार्टी में नीचे से उठकर आए हुए मेहनती पराक्रमी युवाओं की कोई जगह नहीं है। ये पार्टी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है भाई, तब जाकर आगे बढ़ सकते हो। सहजादा होना जरूरी है, राजकुंवर होना जरूरी है, मगर राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है, अब लोकतंत्र आ गया है, राजा रानियों का जमाना गया, अब जनता का जमाना आया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शिमला में पत्रकारों से बात की। ठाकुर ने कहा कि वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। विभिन्न एजेंसियों की तरफ से किए गए सर्वे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जयराम ठाकुर ने कहा, विभिन्न एजेंसियों ने सर्वे किए हैं, इसमें सामने आया है कि हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सर्वे एक या दो गलत हो सकते हैं, लेकिन सभी सर्वे गलत नहीं हो सकते। मित्रों, एक बात को लेकर के मैं आपकी बात, इस चुनाव के प्रचार में अंतर क्या, उसका मैं जिक्र जरूर थोड़ा सा करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर एक मानसिकता, जिसको मैं कह सकता हूं स्थापित मानसिकता बन गई थी कि सरकार का मतलब 5 साल, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में सरकारें 5 वर्ष के बाद बदल दी जाती हैं, और इसका इंपैक्ट हमने देखा सरकार का मतलब 5 साल जनमानस में भी, अधिकारियों में भी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जनसभा की, जिसमें उन्होंने कहा पहली मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना पर फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम करना चाहती है। हमने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाएंगे, ताकि आपके प्रदेश में शिक्षा को नई शक्ति मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिमाचल में डबल इंजन भाजपा सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। केंद्रीय सहायता में बहुत मदद मिली है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा की है। महिला की सुरक्षा भाजपा सरकार से ज्यादा कोई नहीं कर सकती है। शक्ति बटन ऐप, गुड़िया हेल्पलाइन जैसी योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा, भाजपा हर चुनाव लोगों के निकट जाकर लड़ती है। डबल इंजन सरकार ने यहाँ बहुत बेहतरीन काम किया है। चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान मैं आई हूँ। आज चुनाव के लास्ट डेट है और इस समय जैसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में आप नोटिस करते हैं कि हर चुनाव और चुनाव के संदर्भ में कैंपेन, इस समय को हम एक ऐसे मौका समझते हैं जिसमें जनता के नजदीक जाकर करके उनको हमारे कामकाज के ऊपर परिचय करने के लिए एक
अवसर एक मौका इसे समझ करके कैंपेन चलाते हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अब श्रीनगर के गुप्कर रोड स्थित 8 कमरों वाले हाई सिक्योरिटी बंगले फेयर व्यू गेस्ट हाउस को छोड़ना पड़ेगा। उन पर सरकारी आवास को छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा है। जम्मू कश्मीर के समता विभाग ने मुफ्ती को नोटिस दिया है, जिसमें निर्देश था कि वो 15 तारीख तक घर खाली कर दें। इस नोटिस में लिखा था कि महबूबा ने नोटिस के जवाब में जो तर्क पेश किए हैं वो पूरी तरह से आधारहीन है। विभाग ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपरा और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरी सदन का आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विमोचन किया। हरियाणा विधानसभा में आयोजित विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 3 गौरवशाली वर्षों के दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही का संचालन किया वो प्रशंसनीय है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा में पुलिस ने सेना के साथ मिलकर टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक आईईडी सहित कई हथियार बरामद हुए हैं। कुपवाड़ा जिले के चीरकोट इलाके के बिलाल अहमद डार से मिली जानकारी पर कुपवाड़ा पुलिस ने सेना के 21 RR और 47 RR के साथ मिलकर उत्तरी कश्मीर में चल रहे एक टेरर फंडिंग और भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस दौरान 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पंजाब के फरीदकोट में गुरुवार सुबह डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदीप सुबह अपनी दुकान पर जा रहे थे, तभी बाइक पर पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। प्रदीप सिंह बरगाड़ी बेअदबी की घटना में आरोपी है। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त प्रदीप कोटकपुरा में स्थित अपनी दुकान खोल रहा था। इस हमले में प्रदीप के बॉडीगार्ड को भी गोली लगी है। ये पूरी वारदात पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।